अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सर्दी की छुट्टियाँ बढ़ाने के हवाले से कल एक मीटिंग थी तो उसका हतमी फैसला हो गया। तो कब तक तलीमी इदारे बंद रहेंगे, तफसीलात के साथ बताते चलें कि जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि चारों सूबों के हवाले से एक मीटिंग थी। तमाम वज़ीरे तालीम उस मीटिंग में शरीक थे, एजुकेशन सेक्रेटरी भी शामिल थे। NCUC की ज़ेर सदारत में मीटिंग हुई। महकमा सेहत ने ओमिक्रॉन के केसेस शाये किए। सर्दी की शिदत के पेश नज़र भी फैसला, तमाम वज़ीरे तालीम आपस में मशावरत की। आज ही हतमी फैसला हो गया। पंजाब में तलीमी इदारे 7 जनवरी को ओपन हो जाएंगे। वज़ीरे तालीम डॉक्टर मुराद रास्ते ने बाकायदा ट्वीट भी कर दी। और अभी सिंध में महकमा सेहत ने तजवीज़ पेश किया है कि सुबह सिंध में मुख्तलिफ अज़ला में तलीमी इदारे बंद करें। कराची, हैदराबाद, इन अज़ला में ओमिक्रॉन के केसेस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, लिहाजा इन अज़ला में तलीमी इदारे बंद करें। वज़ीरे तालीम डॉक्टर मुराद रास का यह भी कहना है कि तलीमी इदारे 7 जनवरी को ओपन कर दिए जाएंगे। अगर सूरत हाल बेहतर रही तो फिर ओपन रहेंगे, अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल फिर से बिगड़ती तो फिर बंदिश के हवाले से अगेन एक मीटिंग करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको तलीमी इदारे के हवाले से आपको अपडेट मिलती रहे।